हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैंने आपको लास्ट टाइम में पोइट्री का द माउंटेन एंड द स्क्वायरल का वीडियो दिया था, फुल एक्सप्लेनेशन दिया था और मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी पोइम की समरी। देखिए, मैंने ये भी आपसे कहा था, कोई दुनिया में बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। समरी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ मैं हिंदी का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ये जो एक कहानी है, ये जो कविता है, ये एक कन्वर्जेशन है, यानी आपसी गुफ्तगु, यानी बातचीत कह सकते हैं, गिलहरी और पर्वत के बीच में। तो गिलहरी आकार में बहुत ही छोटी है और पर्वत आकार में बहुत बड़ा है, तो इसी चीज़ को लेके दोनों में कन्वर्जेशन है। पर्वत अपने बड़ेपन पर घमंड करता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और गिलहरी जो है वो अपने आप को बहुत छोटा देखती है कि मैं बहुत छोटी हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, जैसा इस कहानी में, इस पोएम के अंदर बताया गया है। लेकिन एक छोटा सा घमंड जो पर्वत के अंदर पैदा होता है, वो कहता है गिलहरी से कि तुम इतनी छोटी हो और इतने में ही खुश रहती हो। तो गिलहरी को ये बात अजीब सी लगती है, अटपटी बात तो है ही कि अगर आप किसी को ऐसी बात कहते हैं, तो वो उस पर जवाब देती है और तर्क भी देती है कि देखिए, मैं छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मेरा महत्व अपनी जगह पे अलग है, मेरी अहमियत अलग है और आपकी अहमियत अलग है। आप भले ही बड़े हो लेकिन आप एक छोटे से नट को, यानी अखरोट को तोड़ नहीं सकते, और मैं इतनी छोटी हूँ उस नट को, यानी अखरोट को तोड़ देती हूँ। तो इस बात से पर्वत जो है थोड़ा सा समझता है कि हाँ, ये बात तो सच है। तो भगवान भी, उसने जो अल्लाह ने जो इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, भगवान ने जो इतना बड़ा संसार बनाया है, इसमें भी उसने हर तरह का इंसान रखा है। कमज़ोर भी है, ताकतवर भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, और हर किसी में अलग अलग तरह की विशेषताएं भी रखी हैं। कोई अच्छा भी है, कोई बुरा भी है, ये सब बातें सही है। लेकिन हमें किसी को, इस कहानी का जो मेन, जो एक लाइन में सारांश आता है कि हमें किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। सब बराबर हैं, कोई किसी काम में बड़ा है, कोई किसी काम में बड़ा है। तो ये था इस पोएम का सारांश, बहुत छोटा सा सारांश, आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक छोटा सा कमेंट देना मत भूलिएगा, प्लीज़। थैंक यू सो मच।